वेटिंग ऑफ अ सरफेस में ये किया था कि कंटेनर कब गीला होता है, जिन लिक्विड्स का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 होता है वो कंटेनर से चिपकते हैं, और जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 होता है जैसे कि मरकरी, वो नहीं चिपक पाते। तो ऐसे ही समझा रखा है कि अगर एक फ्लोर के ऊपर एक पानी का ड्रॉप गिर गया तो वह ऐसा बिखर जाएगा, फैल जाता है वो, ताकि जब इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सॉलिड के साथ जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है वो लेस देन 90 है, और हमें मालूम है पानी चिपकता है फ्लोर के साथ, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 में क्या होगा, लिक्विड जो है वेट करेगा सरफेस को। लेकिन अगर मरकरी को गिरा जाए फ्लोर के ऊपर, मरकरी ऐसे नहीं फैलती, मरकरी मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, मरकरी मरकरी को खींच लेती है ऊपर की तरफ, फ्लोर के साथ तो इसका कॉन्टैक्ट ही बड़ा कम होता है। तो अगर आप इसके टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट सॉलिड के साथ एंगल बनाएगा ग्रेटर देन 90, तो जिनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 है वो नहीं चिपकते, वो वेट नहीं करते सरफेस को, बस ये कॉन्सेप्ट है।